सर प्रशांत जी, इज योर स्टैंड स्टिल द सेम व्हिच यू हैड ट्वीटेड ऑन सीएबी? मुझे जोशी एडी पर जो मुझे बात कहनी थी कहा है, पार्टी को जो करना था पार्टी ने किया है। अब इस पर आगे जो भी बात है वो माननीय मुख्यमंत्री स्वयं से करेंगे। उन्होंने बताया है कि सर आप अपने स्टैंड कायम है। आरसीपी बहुत हमलावर है प्रशांत जी, आरसीपी काफी हमलावर है। यहाँ तक कह रहे हैं कि बाहर जाना है तो चले जाए। आरसीपी पार्टी में बड़े लीडर हैं, उन्होंने जो कह दिया उसको तूल देने की जरूरत नहीं। सवाल ये होता है कि इस तरह सर क्या इस्तीफा देंगे आप? जो लगाया जा रहा है मेरे पर कोई जिसको जो आरोप लगाना है लगाए। जहाँ तक सवाल है उन्होंने इस बात को ही कहा है, मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ। सर आरसीपी सिंह इस्तीफा मांग रहे हैं, सर क्या इस्तीफा देंगे? नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर जिस तरह से खुल करके आपके खिलाफ पीछे मेरे खिलाफ अगर उन्होंने अपना मत जाहिर किया है मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं व्यक्तिगत किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना। अध्यक्ष का मामला है वो देखेंगे किसकी गलती है नहीं है, किसने बात सही है वो सब कुछ कहा है कि आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हमने अपना जो स्टैंड रखा था वही है, हमने उसको पब्लिकली कहा है और वो सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं नागरिकता बिल पर जो उन्होंने विरोध किया है, जो लोकसभा राज्यसभा में उधर से किया सामने से है, इससे छवि को नुकसान पहुंचा है जेडीयू को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा है, ऐसा तो मैं कहना मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि एनआरसी जहाँ तक है वो हम लोग उसके पक्ष में नहीं रहे हैं, उसके पक्ष में नहीं है। अगर एनआरसी न लागू हो, आप एक बात को समझ कि सीएबी एनआरसी के साथ में डेंजरस है। अगर एनआरसी न हो तो सीएबी पर से में कोई बहुत परेशानी रहेगी।